हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अभी शुरू चैनल पे। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम हम जैसे नए यूट्यूबर हैं किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। हमने क्या करना है आज की वीडियो में मैं बताऊँगा भी अपने यूट्यूब से अपने फेसबुक को कैसे लिंक करना है। लिंक करने का क्या फ़ायदा होता है फ्रेंड, जैसे हम नए यूट्यूबर होते हैं तो इसमें सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, मतलब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो 1000 सब्सक्राइबर ही हमें मतलब के लोहे के चने चबा देते हैं। तो हमारा फेसबुक तो हम काफ़ी सालों से यूज करते हैं, तो हमारे हज़ारों से हिसाब से 5000 फेसबुक फ्रेंड होते हैं। जैसे हम यूट्यूब चैनल को फेसबुक से लिंक कर देंगे तो जितने फेसबुक फ्रेंड हैं उनके पास भी इस यूट्यूब का मतलब के पता चलता रहेगा भी इसने भी यूट्यूब चैनल बना लिया, वो आपके चैनल पर आएंगे, हाँ ये मेरा फ्रेंड है, इसने चैनल में देखते हैं उसमें क्या है। उससे ऐसा होगा आपकी चैनल की एंगेजमेंट बढ़ेगी, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जो भी आएगा आपका फ्रेंड आपको सब्सक्राइब तो देख ही जाएगा, व्यू भी बढ़ जाएंगे। तो इसको हम कैसे करते हैं, आपने देखा होगा फ्रेंड बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सबका इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ उनका जो भी है यूट्यूब चैनल लिंक होता है। ठीक है फ्रेंड, चलो इसके लिए मैं ले चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। जैसे फ्रेंड हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चले गए हैं तो उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने फेसबुक का लिंक कॉपी करना है। ठीक है फ्रेंड, चलो मैं अपने चलता हूँ फेसबुक पे। फेसबुक पे जैसे ही हम चले जाते हैं, ये मेरी फेसबुक ओपन हो गई, जहाँ थ्री लाइन पे जाएंगे, थ्री लाइन पे जाने के बाद अपने प्रोफाइल पे जाएंगे। जैसे प्रोफाइल पे जाएंगे जहाँ ऐड स्टोरी के दाहिनी साइड में थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे हम देखेंगे तो यहाँ कॉपी लिंक लिखा हुआ, जहाँ से हम कॉपी को इसको लिंक को कॉपी कर लेंगे फेसबुक लिंक को। उसके बाद आपने फ्रेंड क्या करना है, गूगल क्रोम पे चले जाना है। जैसे गूगल क्रोम पे चले गए हैं, गूगल क्रोम को आपने उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिस आईडी से आपका चैनल बना हुआ है। मैंने लॉगिन कर लिया है। उसके बाद सर्च बार में आपने डालना है youtube.com। तो जैसे youtube.com डालोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसके पहले आपने क्या करना है, जहाँ ऊपर थ्री डॉट पर जाके इसको आपने डेस्कटॉप साइट पर खोल लेना है, अनटिक रहता है, इसको आप टिक कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड आपने इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं तो जहां राइट साइड ऊपर में ये अपने आपके चैनल का लोगो बना होगा, जैसे लोगो बना होगा तो जहां थ्री नंबर पे रहता है YouTube स्टूडियो। जैसे फ्रेंड हम YouTube स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, आप ध्यान से देखते रहिए, स्किप मत कीजिए करिए जो भी आप मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं कोई फेक तो बनाता नहीं, बिल्कुल रियल बनाता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे, जहाँ लेफ्ट साइड में एक जे नीचे से सेकंड एक कस्टमाइज का ऑप्शन रहता है। ठीक है फ्रेंड, हम इस पर इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप अपने उसका चैनल का जहाँ से सेटिंग कर सकते हो भी, आपने सबटाइटल में क्या रखना है, जे कुछ कस्टमाइज मैंने करके रखा है। तो जहाँ तीसरे नंबर पे आता है बेसिक इन्फो, हम जैसे फ्रेंड बेसिक इन्फो पे जाते हैं तो जहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रेंड जहाँ पे ऐड लिंक करके एक ऑप्शन रहेगा, जैसे फ्रेंड हम इस पर लिंक ऐड करते हैं तो जहाँ लिंक टाइटल रिक्वायर्ड, इस पर फ्रेंड आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने डालना है फेसबुक। ठीक है फ्रेंड, मैंने फेसबुक डाल दिया। फेसबुक डालने के बाद जहाँ पे हमने कर देना गो। ठीक है फ्रेंड, जैसे गो कर देंगे तो जहाँ इसका इंटर यूआरएल करके लिखा रहेगा, जहाँ पे फ्रेंड आपने वही यूआरएल मतलब के पेस्ट करना जो अभी आपने मैं आपको पहले बताया हुआ अभी फेसबुक से कॉपी किया है। तो जहाँ से हम थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से फ्रेंड हमने क्या कर दिया, इसको मतलब कॉपी कर दिया। उसके बाद हमने जहाँ से इसको क्या कर देना है, पब्लिश कर देना, जो ऊपर का आइकन दिखाई दे रहा है। जैसे फ्रेंड पब्लिश ये लिखा हुआ है अभी सेव हो चुका है, ये देखो चेंज सेव्ड। उसके बाद मैं आपको अपने चैनल पर लेकर दिखाता हूँ तो ये किस तरह का दिखाई देता है। जैसे मैं अपने YouTube पे आ गया हूँ, YouTube पे आने के बाद फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ जी कैसा दिखाई देता है। जहाँ अपने मैं चैनल पे जाता हूँ, जहाँ फ्रेंड मैं चला गया हूँ अपने चैनल पे, आप ध्यान से देखते रहना। चैनल पे जाने के बाद जहाँ अवार्ड में जाएंगे, अवार्ड पे जाने के बाद जहाँ फेसबुक का ऑप्शन आ चुका है, जैसे कोई इस फेसबुक पे क्लिक करेगा तो सीधा रीडायरेक्ट आपके फेसबुक पे हो जाएगा। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा भी आप अपने YouTube चैनल को Facebook से कैसे लिंक कर सकते हो। ये तो Facebook को YouTube से लिंक किया है, अभी ऐसा होता है ना, ये दोनों में फ़र्क है फ्रेंड। देखो आपको दिखाई दे रहा है ना ये सारा कुछ और उसमें आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, अभी इसमें दोनों में फ़र्क होता है। ये तो हमने किया है Facebook को YouTube से लिंक किया है, अभी YouTube को Facebook से लिंक कैसे करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है।
अगर फ्रेंड आपको लगता है भी ये मेरी जो मैंने जानकारी दी है रियल है, परफेक्ट है, आपके काम आने वाली है, बड़े आराम से समझाने की कोशिश की है। पहले की वीडियो में मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बोलता था तो आपको थोड़ी समझ कम आती थी, इस वीडियो में बड़े आराम से बताने की कोशिश की है भी ताकि आपके एक एक पॉइंट आपके काम आ जाए और आप अपनी इंगेजमेंट व्यू और चैनल को मोनेटाइज करने में आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड, सत श्री अकाल।